तो गाइस अभी ये उतार रहे हैं इधर से स्पेन से और उस गाड़ी में लोड कर रहे हैं। कोई कीड़े वाली वहाँ पे आलू है कंपनी के, जो आपके लिए चिप्स वगैरह बनते हैं कुछ भी महंगी आइटम उनके लिए जाते हैं, इंपोर्ट होते हैं यहाँ से, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट सॉरी, यहाँ से स्पेशल आलू, बहुत महंगा आलू है, पूरे वर्ल्ड में टॉप का आलू है, वर्ल्ड में नहीं सॉरी अपने इंडिया में टॉप का आलू है। तो अब यही हो लिया और ये जुगाड़ इन्होंने बनाया हुआ है, इसकी ब्रेक को सोचो इतने ऊपर से इतनी फोर्स से आता होगा ये स्पिन, तो इनको ब्रेक के लिए ये जुगाड़ बनाया हुआ है इन्होंने, इससे ऐसे अप्लाई करते हैं ब्रेक के, अभी ब्रेक नहीं लगी है, ऐसे लगाते हैं ब्रेक ऐसे। चलो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे ही भाई कर रहे थे इधर, मैं खुद करता हूँ, बस दबानी है ना ज्यादा, कितना जोर लगता है ज्यादा इसमें काफी। आप बैठो फिर खुद ही, ऐसा ना सिर्फ ही आ जाए ऊपर से, आते जी यहाँ ब्रेक ढंग से नहीं लगाएगा तो। हाँ ब्रेक नहीं लगाएगा तो ऊपर से इतनी फोर्स, ऊपर से आते हैं वहाँ, हाँ बहुत फोर्स से आता है ऊपर से। तो भाई देखो ये रिस्क है बहुत, तो क्या करना, पापी वेट के लिए करना पड़ता है। देखिए वहां से चोट रहे हैं बंदे को भी, वहां पे देखो हल्का हल्का दिख रहा होगा, अब इतनी क्लियरिटी तो नहीं है बेटा, यहाँ से छोड़ रहे हैं, यहाँ से छोड़ेंगे अभी, ये मैं आपको दिखाता हूँ हुआ। भाई बोल रहे हैं मैं जाऊंगा इसमें स्पेन में ऊपर को, और ये भाई बोल रहे हैं बंदे मर जाते हैं इसमें जाके यार। चलो भाई मैं जा ऊपर, ये भाई जा रहे हैं यार, वो भाई क्या क्रेजी एक्सपीरियंस, क्या आपको दिख रही होगी भाई, पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ है कसम से, भाई जा रहे हैं यार जेड़, यहाँ पे आप बैठे रहे और ऊपर से बंदे ने छोड़ दी ना गुब्बी, तो एकदम से सही ऊपर बर्फ गिर रही है ऊपर, तभी अभी देखो अभी भाई ने भेज दिया ऊपर से, और ऊपर से छोड़ दिया गोभी, देखो दूसरी रफ्तार से आ रही है, दूसरी रफ्तार से आ रही है भाई गोभी ऊपर से, और देखो दिख रही होगी आपको हल्की फुल्की, तो ये चल रहे हैं यहाँ पे चरखा, भाई ने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है धीरे धीरे, नहीं तो वो इतने रफ्तार से आ रही है ऊपर से, चार डब्बे हैं कम से कम 100 किलो वजन होगा इनका, भाई ने पूरे जोर से ब्रेक दबा चुके हैं, गोभी आ गई और ये यहाँ पे लैंड हो चुकी है से ब्रेक ही खतरनाक बनाई हुई है ना पूरी सिस्टम से, और अब ये इसको यहाँ से उठाएंगे और अंदर गाड़ी में भेजेंगे। देखो यहाँ पे आलू बीजते हैं, आलू खेती हुई हुई है यहाँ पे, मैंने बताया था आपको कंपनी के आलू हैं, इस स्पेशल कंपनी को ही जाते हैं। चलो मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, भाई ये करेंगे तो गाइस ये है आलू, देखो ये कंपनी के आलू है, कंपनी ने पहले इकट्ठे किए, यहाँ पे मैक्सिमम सारा आलू कंपनी को जाता है, जितना भी प्रोडक्शन होती है यहाँ पे टनों के हिसाब से प्रोडक्शन होती है, सारा कंपनी को जाता है कंपनी ने, बिकॉज ये आलू जो है ना टिकता बहुत लंबे समय तक है, और जो है आपके मतलब प्रीमियम क्वालिटी में आता है, और आपके जो भी लेज वगैरह जो भी मतलब आलू के प्रोडक्ट हैं महंगे महंगे उनके लिए एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। तो अभी मैं आपको ब्रोकली दिखाता हूँ, यहाँ पे ब्रोकली की खेती, तो चलते हैं ब्रोकली के खेत के ऊपर, यहाँ पे ऊपर जैसे थोड़ा ऊपर चढ़ने पड़ेगा, ओ भाई ये अपनी गोभी थी कॉलीफ्लावर ऐसे नहीं बोलते, तो ये तो उसका हो चुका है कटान,
तो इसने सोच चुकी है आलू के खेत थे। तो अभी आपको दिखाते हैं ब्रोकली, पहाड़ों की ब्रोकली। ये है भाई ब्रोकली, इसका भी ये भी कितनी छोटी है, नहीं छोटी सी है, कोई बड़ी वाली नहीं है क्या भाई, छोटी है यार। ठंड पड़ गई ना अभी इधर, तो अभी साइज नहीं बढ़ रहा है इतना, और बड़े बड़े भी होते हैं। अभी होगी ये थोड़े दिन में तैयार होगी। तो है उस साइड तांदी है, और ये गया ना उदयपुर ले साइड रोड, और देखो नीचे खड़ी है वनो की पिकअप, और इंतजार कर रहे हैं गोभी का, कहाँ से आ रही है गोभी। ठीक है गाइस, आगे का ब्लॉग में बने रहे हैं और देखते रहे। वो देखो उधर काट रहे हैं गोभी, वो देखो अपना ढेर सारा प्यार दें मेरे को, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है गाइस, बहुत ठंड है, मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, और मेरी जो है हालत ख़राब हो चुकी है, देखो होठ भी कैसे नीले पड़ गए हैं ठंड के मारे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखो, खुश रहो, खाओ पियो, एंजॉय करो, और बंदियों के चक्कर से दूर रहो, बाकी सब ठीक है। आई एम लाइव मजेस्ट योर।